राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव बिना वोटिंग यानी निर्विरोध संपन्न हो गया है। संसद के उच्च सदन में खाली सीटों के लिए इस चुनाव में बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली है। एनडीए के दो सहयोगी दलों को 2 सीटें, कांग्रेस का एक उम्मीदवार जीता है और कुल 12 सदस्य निर्विरोध यानी बिना वोटिंग के ही राज्यसभा के लिए चुने गए। संसद के ऊपरी सदन में बीजेपी के संख्या बल में बढ़ोतरी हुई और एनडीए गठबंधन बहुमत तक पहुंच गया है। लेकिन कौन कौन से बिल के लिए राज्यसभा से पास होना आसान हो गया है ये समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि गणित ऐसे कैसे बैठा जब एनडीए बहुमत के आंकड़े तक पहुंच रहा है या पहुंच गया है। दरअसल राज्यसभा में एनडीए की आत्मनिर्भरता के पीछे ये आंकड़ा बेहद अहम। कुल 12 सीटों पर उपचुनाव हुए और निर्विरोध उपचुनाव हुए, वोटिंग नहीं हुई। 11 सीटों पर एनडीए जीता और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है तेलंगाना से, जहां अभिषेक मनु सिंह भी सांसद बन गए। बीजेपी की पकड़ राज्यसभा में से और ज्यादा मजबूत हो गई है। कुल 96 सांसद अब भाजपा के हो गए और एनडीए गठबंधन भी बहुमत तक पहुंच गया है। इतिहास में पहला ऐसा मौका है कि एनडीए राज्यसभा में बहुमत तक पहुंच चुका है। मोदी सरकार को बिल पास करने में इससे आसानी होगी। अब तक बीजेपी के लिए डिपेंडेंसी थी, मसलन बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस जो कि जगनमोहन की पार्टी थी, इन दलों से बीजेपी दरअसल सहयोग लिया करती थी या एआईएडीएमके से सहयोग माना करती थी ताकि बीजेपी अपने बिल राज्यसभा में भी पास करवा पाए। लेकिन अब एनडीए अपने दम पर राज्यसभा में बिल पास करवा पाएगा, ये आंकड़ा अब समझिए। दरअसल राज्यसभा में कुल 245 सदस्यों की संख्या है और लेकिन 8 सीटें अभी खाली हैं, 4 जम्मू कश्मीर क्योंकि वहां विधानसभा नहीं है और 4 मनोनीत सदस्य जो कि प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ये सीटें भी खाली हैं। और सदन में सदस्यों की संख्या हो गई है 237, यानी बहुमत का आंकड़ा हो गया है 119 सदस्यों का। तो 119 का आंकड़ा है बहुमत का, कुल 237 है, 238 होगा, आधा से ज्यादा यानी 119 सांसद चाहिए बहुमत के लिए। अगर कोई बिल बीजेपी को पास करवाना होगा तो उसके लिए 119 सांसदों का साथ चाहिए होगा। बीजेपी के हैं 96 सांसद जो इस चुनाव में बढ़कर बढ़े हैं, 9 सांसद बीजेपी के कुल मिलाकर 96। सहयोगी दलों के हैं सांसद 16 और मनोनीत यानी कि प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड सांसद हैं 6, एक निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा वो भी बीजेपी के साथ ही रहते हैं। ये पूरा आंकड़ा आप मिलाएंगे तो हो जाएगा 119। बहुमत का आंकड़ा फिलहाल बीजेपी के साथ है और इससे बीजेपी के लिए आसान हो गई है राह अपने बिलों को पास करवाने के लिए। दूसरे दलों से अब सहयोग नहीं लेना होगा बल्कि एनडीए अपने दम पर ही इन बिलों को राज्यसभा में पास करवा सकेगी। एनडीए को वक्फ संशोधन विधेयक जैसे प्रमुख कानूनों पर मोहर लगवाने में सफलता मिलेगी। हालांकि जेपीसी के पास है लेकिन जब भी राज्यसभा में भी आएगा तो एनडीए को बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। इसके अलावा वक्फ संपत्तियां अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली विधेयक 2014 को राज्यसभा से वापस लिया गया था। इसके अलावा इस बजट सत्र में राज्यसभा में 2 विधेयक पेश किए गए, तेल क्षेत्र विनियम और विकास संशोधन विधेयक 2024, बॉयलर्स विधेयक 2024। इन दोनों विधेयकों पर अभी राज्यसभा से मोहर लगनी बाकी है लेकिन अब इन बिलों के लिए भी राह आसान हो गई है बीजेपी के लिए। एनडीए के लिए अब राज्यसभा में भी आंकड़ा बहुमत तक पहुंच चुका है और पिछले 10 साल में एक तरह से पहला मौका है जब एनडीए बहुमत के इस आंकड़े तक पहुंच पाया। वहीं तेलंगाना से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंह भी निर्विरोध चुने गए हैं और इससे कांग्रेस की राज्यसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी भी सुरक्षित हो गई। राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या अब बढ़कर 27 हो चुकी है। विपक्ष की कुर्सी पर काबिज रहने के लिए 25 सीटों की जरूरत होती है। कांग्रेस के पास 2 सदस्य अधिक हैं और फिलहाल राज्यसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है जो एक तरह से और सुरक्षित हो गई। अभिषेक मनु सिंह भी हिमाचल से पिछली बार उम्मीदवार बनाए गए थे, याद होगा आपको किस तरह से क्रॉस वोटिंग में उनको नुकसान हुआ था और वो राज्यसभा नहीं जा पाए थे, अब वो तेलंगाना से सांसद बन गए। इसके अलावा बीजेपी का असम महाराष्ट्र में 2-2 सांसद इसमें जीते हैं। मध्य प्रदेश बिहार त्रिपुरा में 1-1 सीट पर कब्जा अभी तक था लेकिन उपचुनाव में बीजेपी को 4 सीटों का फायदा हुआ है। हरियाणा राजस्थान में कांग्रेस का 1-1 और बिहार में आरजेडी को 1 सीट पर नुकसान हुआ है। कांग्रेस आरजेडी को 1-1 सीट का दरअसल नुकसान हुआ, कांग्रेस ने 1 सीट तेलंगाना में जीत ली है। इसी तरह तेलंगाना में बीआरएस का 1 और ओडिशा में बीजू जनता दल का 1 सांसद था। तेलंगाना में के केशवराज बीआरएस छोड़कर जुलाई में कांग्रेस में शामिल हो गए, वहां एक तरह से दल बदल हुआ, जबकि ओडिशा की ममता मोहंता भी पिछले महीने ही बीजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद यहां ये आंकड़ा बदला है।